वेलकम टू निहांस किचन। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ जो सबको पसंद आती है। ये है कुरकुरे, चटपटे कुरकुरे। इसके लिए मैंने देखिए ये सामान ले रखा है। ये मैंने 1 कप चावल का पाउडर ले रखा है और 1/4 कप मैंने बेसन ले रखा है और 2 टेबल स्पून करीब आटा ले रखा है। ये 1 टेबल स्पून करीब नमक ले रखा है और 1/4 टेबल स्पून करीब मीठा सोडा ले रखा है। अब हम क्या करेंगे, इन सारी ड्राई चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये सारा हम एक बाउल में मिक्स कर लेंगे ड्राई ड्राई चीज़ों को। ये 1 कप मैंने चावल का आटा ले लिया और अब इसी में बेसन मिला देंगे। ये 1/4 टेबल स्पून करीब इसमें जो हमने मीठा सोडा ले रखा था वो डाल देंगे। ये आटा डाल देंगे 2 टेबल स्पून करीब। और ये नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इन सारी चीजों को, ड्राई चीजों को, हम पानी से एक पतला सा पेस्ट बना लेंगे। पहले ड्राई ही मिक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद इसमें पानी डालेंगे। अब इसको इसमें मिक्स करेंगे, एक पतला पेस्ट बना लेंगे। जैसे डोसे का बैटर बनाते हैं ना, वैसे ही बना लेंगे बिल्कुल इसको। ये देखिए ऐसा ये पेस्ट सा बन गया है। करीब मैंने 1.5 ग्लास पानी इसमें डाल दिया है और ये सही बिल्कुल बैटर बन के रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए एक पैन रख दिया मैंने। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे, रिफाइंड ऑयल या जो भी आपको सही लगे वो डाल लीजिए और इसको चारों तरफ स्प्रेड कर लीजिए। वैसे तो ये थोड़ा थोड़ा चिपकेगा ही, क्योंकि ये गाढ़ा होता जाएगा जिस हिसाब से, उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा चिपकता जाएगा। अब ये देखिए पैन गरम हो गया है, इसमें ये जो बैटर हमने तैयार किया है वो इसमें डाल देंगे। अभी शुरू में इसको तेज आंच पे ही पकाएंगे, फिर थोड़ा मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और इसको जल्दी जल्दी चलाना पड़ेगा उस टाइम पे हमें। इस टाइम पे आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मसाले ऐड कर सकते हैं, थोड़ी लाल मिर्च डाल सकते हैं और आप चाहें तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं ऊपर से। और थोड़ा सा इसका कलर जिससे अच्छा हो जाए, तो ये मैं थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, थोड़ी धनिया पाउडर डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून। अब इसको जल्दी जल्दी इसको चलाते जाएंगे, इसको चिपकने नहीं देना है नीचे। ये देखिए गाढ़ा होने लगा है पूरी तरीके से, ये बिल्कुल ड्राई होने लगा है, गाढ़ा होने लगा है। अब इसको थोड़ा पूरी तरीके से ड्राई कर लेना है जब तक ये डो की शेप में ना आ जाए, एक जैसे आटा गूंथते हैं ना हम रोटी का, उस शेप में ना आ जाए जब तक, उस टाइप टेक्सचर में, तब तक इसको ऐसे ही चलाते रहना है। ये देखिए इस टेक्सचर में आ गया है, बिल्कुल डो के फॉर्म में हो गया है। अभी ये थोड़ा सा, अब इस टाइम पे मैं गैस बंद कर दूंगी। अब इसको हम थोड़ा सा एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए डो की तरह तैयार हो गया एक तरीके से, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। और ये मैंने कॉर्नफ्लोर ले रखा है 1/4 कप, तो अब इसको इसमें मिक्स करेंगे और थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे 1 to 2 टेबल स्पून करीब, जिससे कि ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाए इसका टेक्सचर। ये बहुत ही अच्छा लगेगा आपके बच्चों को, सभी को। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे और उतनी देर में हम जो एक पैन रखते हैं, कढ़ाई रखते हैं फिर से गैस पे और उसमें ऑयल चढ़ा देते हैं,
और फिर इसके लंबे लंबे कुरकुरे बनाते हैं। ये देखिए मैंने एक छोटा सा ले लिया टुकड़ा, इतना सा, और अब इसको पहले बॉल की तरह कर लेंगे और फिर उसके बाद इसको ये फिंगर से ऐसे 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 करके इसको पतला करते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से दो कुरकुरे बनके रेडी हो गए। इसको और थोड़ा सा कर लेंगे थोड़ा सा पतला करने के लिए। ये देखिए हमारे दो कुरकुरे बनके रेडी है। अब इनको क्या करेंगे, इनको हम गैस पे सेक लेंगे। ये हम धीरे धीरे बाकी ये शेप तो सबको, बच्चों को पसंद ही होता है, सारे लोगों को पसंद होता है, कुरकुरे वाला शेप है ये, इसलिए बाकी आप चाहें तो कोई डिफरेंट शेप भी इन्हें दे सकते हैं। ये देखिए कुरकुरे बनके रेडी हैं, अब इनको निकाल लेते हैं एक बाउल में। ये देखिए घरेलू कुरकुरे बनके रेडी हैं। अब हम इसमें मसाले डाल लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा चाट मसाला, हाँ 1/4 टेबल स्पून करीब। चाट मसाला ज़्यादा भी डाल सकते हैं आप थोड़ा सा, और बिल्कुल 1/4 टेबल स्पून करीब मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, और रेड मिर्च पाउडर मैं डाल रही हूँ बिल्कुल 1/4 टेबल स्पून, वो भी क्योंकि मेरे यहाँ बच्चे नहीं खाएंगे ज़्यादा, तो इसलिए मैं बहुत ही कम कम चीज़ें मसाले डाल रही हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल। ये 1/4 टेबल स्पून करी काला नमक। अब इन सबको टॉस कर लेंगे एक बार। ये देखिए हमारे टेस्टी से यमी से कुरकुरे बनके रेडी हैं, और टेस्टी बहुत ही यमी है ये, आप बनाइए अपने घर में और अपने बच्चों को खिलाइए। और अगर अच्छी लगे मेरी रेसिपी तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।